दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आपको पता है, RRB NTPC CBT फर्स्ट का रिजल्ट आया है, जिसमें काफ़ी धांधलेबाजी देखने को मिली है। जैसा कि सभी स्टूडेंट और सभी एजुकेटर्स के द्वारा, जितने भी YouTube चैनल के बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, सभी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रोटेस्ट करने की मांग की है #RRBNTPC फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट रिजल्ट के बिहार पर डिजिटल प्रोटेस्ट किया गया है। आज तारीख 18 को 11 बजे से डिजिटल प्रोटेस्ट किया गया है और ये अनवरत हफ्ते भर पूरे एक सप्ताह ही प्रोटेस्ट चलने वाले हैं। इसमें हम सभी अभ्यर्थियों, सभी एजुकेटर, सभी जितने भी टीचर सबना है, सभी को भाग देना होगा, सभी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। तभी RRB स्कैम जो हुए हैं उसको लेकर के क्या होगी, कुछ बातें होंगी डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से। काफ़ी स्टूडेंट ने देखिए, जैसे कि विवेक सर ने भी डिजिटल प्रोटेस्ट को लेकर के अपनी बात रखी है। इस प्रकार से खान सर ने भी बताया कि RRB NTPC में जो स्कैम हुए हैं, सड़कों पर उतरे हजारों छात्र, और इन्होंने फिजिकल प्रोटेस्ट की भी बात की। हमने डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से भी इसमें बात की थी और यहाँ पर फिजिकल प्रोटेस्ट के माध्यम से भी काफ़ी बच्चे रेलों के सामने आ गए हैं और उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट को मांग रखते हुए इस प्रकार से डिजिटल प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया है। और कहा जा रहा है RRB जो कहती थी कि 20 गुने ज़्यादा वो रिजल्ट देगी CBT फर्स्ट में, है ना, वो मात्र वो 10 से 11% ज़्यादा रिजल्ट दे पाई है सीटों के सापेक्ष। भाई 37,000 समथिंग सीटें हुआ करती थी, जो कि 2019 में RRB NTPC की वैकेंसी आई थी और ये जाके 2022 में अब रिजल्ट दे रहे हैं और इसमें भी काफ़ी धांधलेबाजी देखने को मिल रही है। तो भाई, हम सभी की जो अपील है, जो हमारे रेलवे केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनसे सभी से अपील है कि वो जो क्या करें, CBT फर्स्ट में जो इनका जो रेशियो था कि 15 से 20 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को पास किया जाए, इसकी कट ऑफ कम करी जाए। कट ऑफ इसमें सबसे ज़्यादा की जा चुकी है। वही हम देखें इलाहाबाद जोन में तो जनरल की कट ऑफ 90 और 94 नंबर तक ही है, जो कि एक बहुत बड़ा, इसमें भाई CBT फर्स्ट में ही अभ्यर्थियों को बैठने से मना किया जा रहा है, CBT सेकंड में बैठने से उन्हें रोका जा रहा है। कौन कह रहा है कि आप सीटों की संख्या बढ़ाएं, लेकिन कम से कम आप उन्हें CBT सेकंड में अपीयर होने के तो मौके दें। इसे सभी एजुकेटर्स और सभी स्टूडेंट्स के माध्यम से एक डिजिटल प्रोटेस्ट का जो आह्वान किया गया है। हमारा भी यूट्यूब चैनल हमेशा प्रोटेस्ट को लेकर के काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इसने हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो सभी स्टूडेंट और एजुकेटर्स, डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से 18 जनवरी से 11 बजे ट्विटर कैंपेन हुआ है और ये पूरे अनवरत एक हफ्ते 10 दिन चलने वाले हैं, जिसे रेलवे मिनिस्ट्री को ये संज्ञान में लेना होगा और लगभग 20 गुने के सापेक्ष जो है CBT फर्स्ट को क्वालिफाई करना होगा। तो चलिए, हम तो इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और आप सबका पूर्ण सहयोग मिलेगा, ये हमें पूरी आशा है। और ऐसे ही आप हमारे चैनल में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन।